भारत में बढ़ते कोरोना वायरस की महामारी के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन भी लगाया गया है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में सरकार ने तय नियम और शर्तों के साथ आम जनमानस को कुछ शर्तें लागू की गई हैं, जो कि संभल में अब तक 24 केस पॉजिटिव थे, मगर दिल्ली में 5 मजदूरों ने गन्नौर सहित 29 पॉजिटिव हो गए। लेकिन तीसरे चरण में शुरुआत से ही कई जगह लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो कि प्रधान तक भी मास्क बस सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते दिखाई दे रहे। संभल में नोएडा दिल्ली से अभी प्रवासी मजदूरों का प्लान जारी है। संभल की तहसील गुन्नौर में 5 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन का पाठ तीसरा चल रहा है और अभी भी मजदूरों का आगमन जारी है। ऐसा ही मामला एक संभल के थाना धनारी क्षेत्र गांव दिनोरा का है। दिल्ली से आए 15 मजदूर प्रधान की सलाह से ही गांव में ही रह रहे हैं, मगर ग्राम पंचायत प्रधान पिंकी यादव ने अभी तक कोई भी अधिकारी को सूचना नहीं दी है और ना ही गांव में दवा का छिड़काव हुआ है। जब हमारे पत्रकार ने प्रधान से बात की तो टालमटोल करने लगा। ग्राम दिनोरा का निवासी हूँ। मेरे गांव में दिल्ली, सहारनपुर, गाजियाबाद से कई मजदूर लोग 6 तारीख को गांव में आ चुके हैं, मगर प्रधान उन्हें अपने अंडर में रखकर ना उनकी कोई जांच करा रहा है, ना उन्हें कोई सूचना दे रहा है डॉक्टर लोगों के लिए। अभी तक 4 दिन से प्रधान पिंकी उन लोगों को अपने अंडर में अपने खेतों पर रख रहा है, और जिससे कि हमारे गांव में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, और ना ही गांव में कोई सैनिटाइजर ना कोई दवाई स्प्रे किया गया है। हम चाहते हैं कि टीम आकर इन सभी की जांच के करें। प्रधान प्रशासन को गुमराह कर रहा है, कृपया करके इनकी जाँच की जाए। कौन सा गाँव? ये दिनोरा। आप प्रधान कौन है? पिंकी। पिंकी, आप पिंकी कौन है? ससुर। अच्छा, जो कल आपके गांव में आदमी आए हैं, कुल कितने आदमी आए हैं? कल आए साहब 13 आदमी आए, 2 ने जांच ना कराई है और 11 ने जांच करा ली है। जो जांच नहीं कराए हैं वो कौन कौन लोग हैं? एक कृष्ण है और एक गोवा गिरीश है। गिरीश। अच्छा, आपके गांव में जो बाहर से डॉक्टर की टीम आई, पुलिस की आई, कौन कौन आए आपके यहाँ पे? डॉक्टर लोग आए। और कोई अधिकारी आया? अधिकारी साहब, पुलिस वालों को कोई आया नहीं था। SDM साहब ने फोन किया। सैंपल ले गए थे ब्लड का? सैंपल नहीं ले गए, वैसे मशीन से जांच करके ले गए। मशीन से जांच की थी। और आज कौन कौन आया था? आज तो कोई नहीं आया था। आज नए लोग आए से? हाँ जी, शमशाद और दिलसाद और एक अख्तर। इन लोगों की जांच हुई है? इनकी जांच नहीं हुई है सर। और आप अपने घर में भी रख रहे हैं गांव में? साहब, हमें जानकारी अभी मिली है तो हमें पता लगा। आप तो ये बोल रहे हो कि प्रधानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बदायूं में भी सील है।